जैगम मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिस नामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस केस के ऊपर चर्चा करी वह था जहाज उड़ने वाला है। इसके जरिए हमने जाना कि इस देश में पहनावा कितना इम्पोर्टेंट है, जहां देश के प्रधानमंत्री जी तक पहनावे के जरिए लोगों को पहचानने की बात करते हों तो वहां फिर भला पुलिसकर्मी और उनको प्रेस करने वाले आम जन उनकी बात क्यों नहीं मानेंगे। किस तरीके से मुसलमान होने का दंश बार बार आपको जताया जाता है, लगाया जाता है, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का केस है वायरल वीडियो। केस को ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा इस तरह का वीडियो क्या आपकी नजर से भी कभी होकर गुजरा है। चलिए, वायरल वीडियो। सरयू नदी के तट पर बसा है बहराइच, जो लखनऊ से मात्र 125 किलोमीटर की दूरी पर है। जिले की सीमा नेपाल से लगती है, इसलिए सुरक्षा के नजरिए से भी बहराइच काफी अहम है। करीब 4,697 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले की आबादी 35 लाख से ज्यादा है। मतलब बहराइच काफी लंबा चौड़ा एरिया कवर करता है। मध्यकालीन सैन्य कमांडर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर संभल और मेरठ में बाले मियां के नाम से मशहूर सालार मसूद गाजी को संत का दर्जा हासिल है। शहर में सिद्धनाथ नाम से एक मंदिर भी है, जिसे लोग पांडवों के काल का मानते हैं। लोग ज्यादातर मिलजुल कर ही रहते हैं। हाल के वर्षों में मजहबी दूरियां बढ़ी हैं और कानून व्यवस्था की चुनौतियां भी। उत्तर प्रदेश में एक चीज बेहद खास है, राज्य में तहसील दर तहसील बोली बदलती है, संस्कृति बदली जाती है और लोगों के पहनावे भी। नहीं बदलती है तो पुलिस, पुलिस का रवैया और काम करने की संस्कृति। तो इस देश के लिए वैसे भी ये बात मशहूर है कि कोस कोस पर पानी बदले कोस कोस पर पानी। मतलब इतनी डाइवर्सिटी इस देश के अंदर है। बहराइच में कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां राज्य के दूसरे जिलों से भी अलग हो सकती हैं, लेकिन पुलिस का रवैया वही है, एकदम ठठ और लठंत। तो हर जगह की पुलिस का रवैया अमूमन ऐसा ही होता है। बहराइच में एक थाना है रिसिया, यह जिला मुख्यालय से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। दारोगा जितेंद्र कुमार वर्मा उन दिनों रिसिया में तैनात थे। ये मई 2021 की बात है। कोरोना महामारी का दौर था, देश के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन के हालात थे, लोगों की आवाजाही आम दिनों के मुकाबले कम थी। इस दौरान जितेंद्र कुमार वर्मा को जिम्मेदारी दी गई कि वे बिना वजह घरों से बाहर निकले और बिना मास्क लगाए लोगों का चालान काटकर जुर्माना वसूल करें। इस दौरान लॉकडाउन के पुलिस भी खासी परेशान रही होगी, क्योंकि उनके ऊपर की आमदनी जो है लोगों के घरों में रहने की वजह से काफी कम हो गई होगी। जाहिर है ये पुलिस में जिम्मेदारी के साथ कुछ लक्ष्य यानी टारगेट भी मिलता है। जितेंद्र कुमार वर्मा ने अफसरों से मिले टारगेट पर हामी भर तो दी, लेकिन बंदी के हालात में टारगेट भला कैसे पूरा होता। लेकिन कहा जाता है कि पुलिस जिस बात के लिए हामी भर देती है उसे पूरा जरूर करके दिखाती है। जितेंद्र कुमार वर्मा ने चालान के टारगेट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। दरोगा जी अगले दिन सुबह 2 सिपाहियों को साथ लेकर मुख्य चौराहे पर डट गए। वह और उनके सहकर्मी हर आते जाते वाहन को रोकते, कागज पत्तर चेक करते, कोई अनियमितता मिलती तो चालान काट देते। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कारोबार जमता नजर नहीं आया। दारोगा जितेंद्र कुमार वर्मा ने बार बार चालान बुक का हिसाब जोड़ा, लेकिन जो रफ्तार थी उसके लिहाज से टारगेट पूरा होता नहीं दिख रहा था। समय जैसे जैसे गुजरता गया दारोगा जी का पारा और धैर्य विपरीत दिशा में गुलाटी मारता गया। सूरज अब सर से उतरकर पश्चिम की तरफ बढ़ने लगा। सूरज की तपिश कम हो चली थी, लेकिन दारोगा जितेंद्र कुमार वर्मा का पारा सुबह के मुकाबले 2 डिग्री ज्यादा हो गया था। अब दारोगा जी समझ गए थे कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उन्हें पुलसिया हुनर दिखाने ही पड़ेंगे। बिना रंगबाजी दिखाए ना तो टारगेट पूरा होने वाला था और ना 3 आदमियों का शाम का खर्चा वसूल हो सकता था। दरअसल एक तो लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे थे, दूसरा जो आ रहे थे वे कागज पत्तर लेकर निकले थे। इतनी मजबूरी के दौर में कोई भला पुलिस के पचड़े में पड़ने की आफत मोल नहीं लेना चाहता था।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस दौर में मौत का बाजार गर्म था, सो लौंडे लफांडे की बाइकिंग भी बंद थी। कुल मिलाकर पुलिस की आमदनी में तमाम स्रोत बंद थे। ऐसे में जितेंद्र कुमार वर्मा के पास अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई चारा न था। वह बुरी घड़ी थी जब उन्होंने अपने अफसर से लक्ष्य हासिल करने की हामी भर ली थी। खैर, फैसला हो चुका था, अब जो भी हो जाएगा, चाहे जो करना पड़े, लेकिन चालान तो काटेंगे। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि एक शिकार फंदे में फंसता देखा। डिग्री कॉलेज की तरफ से एक मोटरसाइकिल आ रही थी जिस पर दो लोग सवार थे, लेकिन दरोगा जितेंद्र कुमार वर्मा का समय ठीक ना था। सूर्य भले ही शांत कक्षा की तरफ विचरण कर रहा था, लेकिन राहु और केतु सिर पर स्थिर हो गए थे। ऊपर से शनिवार का प्रकोप। बहरहाल मोटरसाइकिल पास आई तो सिपाहियों ने इशारा करके सवार को रुकने को कहा। सवार ने पुलिस वालों को देखकर बाइक धीमी की और किनारे लगाकर खड़ी कर दी। बाइक सवार ने गाड़ी के कागज दिखाने को कहा गया। उसकी किस्मत से ड्राइव कर रहे व्यक्ति का लाइसेंस और बाइक के पेपर पूरे थे। दोनों सवारों ने हेलमेट और मास्क लगा रखे थे। गाड़ी की फिटनेस में कोई कमी नहीं थी। हैंडपंप की काली पट्टी से लेकर स्टैंड, टेल लाइट और ब्रेक तक चेक किए गए, लेकिन कोई झोल न दिखता था। बाइक सवार आश्वस्त थे कि अब उन्हें जाने दिया जाएगा। मोटरसाइकिल स्वामी ने कागज समेट कर एक थैली में रखे और बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट किया। बाइक स्टार्ट करने के बाद उसने अपने साथी से बाइक पर बैठने के लिए कहा, लेकिन यह क्या? जैसे ही दूसरा व्यक्ति हेलमेट लगाकर बाइक पर बैठने को हुआ, दारोगा जितेंद्र कुमार वर्मा ने उसे पीछे से पकड़कर अलग हटने के लिए कहा। इससे पहले कि बाइक सवार कुछ समझ पाता, सिपाहियों ने पास खड़े एक व्यक्ति को बाइक पर बैठा दिया। बाइक सवार या उसका साथी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही एक सिपाही ने आगे बढ़कर बाइक बंद की और उसकी चाबी निकाल ली। जितनी फुर्ती से एक सिपाही ने चाबी निकाली, उतनी ही फुर्ती से दूसरे सिपाही ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर झटपट फोटो खींचने शुरू कर दिए। बाइक वाला अभी भी पुलिस की मंशा समझने में नाकाम रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब फोटो सेशन हो गया तो दरोगा जी ने बाइक के स्वामी को नीचे उतरकर चालान भरने का फरमान सुना दिया। बाइक स्वामी बौखला गया, भला किस चीज का चालान? बाइक पर बिना हेलमेट सवारी बैठा कर घूमने के लिए 2,500 रुपए जमा कर दीजिए महाशय, दरोगा जी ने हुक्म दिया। लेकिन मेरा साथी तो हेलमेट लगाकर आया है। कौन सा साथी? वो जो उधर खड़ा है, जिसे आपने नीचे उतार दिया, बाइक स्वामी ने जवाब दिया। अच्छा, वह भी तुम्हारे साथ था? तो फिर तीन सवारी का चालान और जुड़ गया, दरोगा जी बोले। लेकिन तीन कहां, हम तो दो ही हैं, बाइक सवार ने फिर पलट कर कहा। तभी तो कह रहा हूं कि बिना हेलमेट सवारी घुमाने का चालान कटवा लो, हमारे पास सबूत के तौर पर फोटो है। जब हमने पकड़ा तो तुम्हारी बाइक पर पीछे एक बिना हेलमेट पहने व्यक्ति बैठा था, दरोगा जी ने विस्तार से अपना हिसाब समझाया। बाइक सवार चकरा गया, लेकिन सर, इसे तो आपने बैठाया है, मेरा साथी तो हेलमेट लिए वह खड़ा है उधर। इसके बाद बाइक सवार ने तमाम सफाई दी, लेकिन दरोगा जी नहीं माने। आखिर टारगेट पूरा करने के लिए ही तो उन्होंने इतना बड़ा प्रपंच रचा, अब भला बिना चालान भरे कैसे जाने दें? खैर, उस व्यक्ति ने चालान की पर्ची ली और कोर्ट में जमा कराने की बात कहकर वहां से चला गया। दरोगा जितेंद्र कुमार अपनी काबिलियत पर बड़े खुश हुए। देखो, मैं ना कहता था कि टारगेट पूरा होगा। वे बाइक सवार चले गए और दरोगा जी अपने अगले शिकार की तलाश में लग गए। इस तरह कई चालान कटे और शाम हो गई। दरोगा जी इत्मीनान से आकर अपने कमरे में सो गए। अगला दिन निकला, दरोगा जी के पास दिन निकलते ही एसपी ऑफिस से फोन आया। दरोगा जी को पुलिस कप्तान ने बुलाया था। दरोगा जी दौड़े दौड़े कप्तान के बंगले पर पहुंचे। कप्तान बस घर से निकलने ही वाले थे। दरोगा को देखते ही एसपी साहब का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दरोगा जी समझ ना पाए आखिर हुआ क्या। कप्तान ने जब पूछा कि तुमने किसी की बाइक पर बिना हेलमेट पहने व्यक्ति को बैठा कर चालान काट दिया है, तो उनकी समझ में सारा मामला आ गया। वे समझ गए कि कोई दिन निकलते ही उनकी शिकायत कप्तान साहब से कर गया है। दरोगा जी ने बात बनाने की कोशिश की, लेकिन कप्तान ने एक ना सुनी। जब दरोगा जी ने बार बार सफाई दी तो कप्तान ने उन्हें पास बुलाकर अपना मोबाइल दिखाया। मोबाइल में एक वीडियो चल रही थी। उसमें दरोगा जी अपने हेलमेट सवार को उतार कर जबरन किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाते दिख रहे थे। दरअसल जहां दरोगा जी चेकिंग कर रहे थे,
वहां किसी ने छत से छिपकर उनकी वीडियो बना ली थी। इससे पहले दारोगा जी को भनक लगती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। दारोगा जी की कुंडली पर उस रोज राहु केतु की वक्र दृष्टि थी। जब चालान नहीं कट रहे थे तभी उन्हें समझ जाना चाहिए था। अब टारगेट पूरा करने के चक्कर में बेचारे दारोगा जी किसी स्टिंग मास्टर का टारगेट बन चुके थे। उनके पास गलती मानने और कप्तान के पास उन्हें निलंबित करने पर पुलिस लाइन में भेजने के अलावा अब और कोई चारा न था। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत। यदि सोशल मीडिया ना होता तो इस तरह के केसेस भी हमारे सामने कभी ना होते। वैसे इस तरह का केस अगर आपने देखा हो किसी पुलिस वाले से रिलेटेड तो मुझे जरूर बताइएगा। मैंने नहीं देखा इसलिए पूछ रही हूँ। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। लेकिन यदि ये एपिसोड पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंबेडकर नामा को फॉलो करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले केस स्टडी के साथ। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम। धन्यवाद।